संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से हो गई कौन सी बड़ी गलती? शपथ के बाद राजनाथ ने राहुल को किस गलती की दिलाई याद? दरअसल संसद में पिछले दो दिनों से नव निर्वाचित सांसदों को सदस्यता दिलाने की शपथ दिलाई जा रही है। कांग्रेस के वायनाड से सांसद चुने गए राहुल गांधी ने भी लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली, लेकिन राहुल गांधी के शपथ ग्रहण के दौरान एक ऐसा वाकया भी सामने आया जिसकी तमाम सदस्यों में दिन भर चर्चा रही। दरअसल पिछले दिन प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी सहित नए चुने सभी सांसदों को निचले सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस दौरान दोपहर में संसद पहुंचे राहुल गांधी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन अंग्रेजी में शपथ लेने के बाद राहुल गांधी संसद के रजिस्टर पर दस्तखत करना भूल गए। शपथ लेने के बाद उन्होंने जैसे ही अपनी सीट की ओर बढ़ना शुरू किया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सांसदों ने उन्हें टोका और दस्तखत करने की याद दिलाई। इसके बाद वो वापस लौटे और रजिस्टर पर दस्तखत किए, फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। इससे पहले राहुल गांधी के लंच के पहले नदारद रहने पर कुछ नए सांसदों ने भी सवाल खड़े किए। राहुल लेकिन लंच ब्रेक के बाद सदन में राहुल के आने पर उनकी पार्टी और सहयोगी दलों में भेजे सदस्यों ने थपथपाकर उनका स्वागत किया। शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा के सदस्य के तौर पर ये मेरा लगातार चौथा कार्यकाल है। वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं संसद में अपनी नई पारी शुरू कर रहा हूँ। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राहुल गांधी के चिरपरिचित लिबास सफेद कुर्ता और पैजामा पहनकर सदन आए थे। वे सदन में आगे की पंक्ति में अपनी माँ और रायबरेली से दोबारा निर्वाचित हुए सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए थे। सोनिया गांधी के शपथ लेने के दौरान राहुल गांधी मोबाइल पर उनका वीडियो बनाते भी नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को उनकी परंपरागत सीट अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से 55,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।